ये खबर देखी आपने? मशवरत अपने अखबार में लिखता है कि खिलाफत बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान अपने मजहब की पैरवी में बरतानवी हुकूमत के जेर साया आजाद हैं। ये तस्वीर भी मुलाहिजा कीजिए। एक आम सा मुसलमान भी ये बात जानता है कि मस्जिद में जूतों समेत नहीं जाते। हम नहीं चाहते कि हमारी कौम गुमराह हो इन फर्जी खबरों को पढ़कर। क्या तुमने ये आम खबर पढ़ी सबाद्दीन? किस बारे में? बरतानिया के बारे में। वो हिंदुस्तान में एक मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। उन्होंने हर किसी के लिए मजहबी आजादी का ऐलान किया है और अब्दुल हमीद बिल्कुल पसंद नहीं करते उन्हें। हाँ, उनके ख्याल में सिर्फ खलीफा ही वो शख्स होता है जो मस्जिदें तामीर करवाने का हक रखता है। मुझे तो ये लगता है कि खिलाफत अब रुख्सत होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी दुनिया हमारा वतन है ये मानना चाहिए, और यहां जितने भी लोग रहते हैं वो सब हमारे अपने ही हैं। लेकिन हम अभी तक अपने खलीफाओं और सुल्तानों के जेर साया रहकर एक ही खानदान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर उस खानदान में ऐसी क्या बुराई है सबाहद्दीन? सबाहद्दीन के कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। उस्मानिया सल्तनत हमेशा से ही सरबुलंद है। 600 साल तक आपके आबा व अजदाद की हुक्मरानी रही है। अब आपके भाई अब्दुल हमीद हुक्मरान हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो दानिशमंदी से हुकूमत करेंगे। सबाहद्दीन के कहने का मतलब यही था। मम्मी, नाराज क्यों होती हैं आप? क्या जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है उसे बुरा कह सकता हूँ मैं? मम्मी क्या होता है, ये किस तरह पुकार रहे हैं आप हमें? अम्मी कहे या वालिदा कहिए, मम्मी कह रहे हैं। वालिदा, मगरिब की जानिब नजर क्यों नहीं करती आप? साहबजादे, पहले आप खुद पर नजर कीजिए और कुछ खा लीजिए। चलिए। जो आपका हुक्म वालिदा। सनेहा सुल्तान। आह महमूद, अब आप फौरन अपने मुद्दे पर आ जाइए। भाई से क्या तवक्को है आपको? तवक्को? क्या सोच रही हैं आप सनेहा? हमें आपके भाई से क्या तवक्को हो सकती है भला? हम तो बस उनके खिदमत गुजार हैं। किस तरह के खिदमत गुजार? सनेहा, वो रेल के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सोचा है। अगर आपके भाई अब्दुल हमीद खान ये मंसूबा मेरे हवाले कर दें तो मैं इस मंसूबे के जरिए रियासत को बहुत तरक्की दे सकता हूं। क्या हम जान सकते हैं कि इसमें आपका क्या मफाद है? मेरा क्या मफाद हो सकता है? मुझे तो इसके बदले सिर्फ दुआएं चाहिए आने वाली नस्लों की। अच्छा है, आग जल गई बेटा? जी जल गई बाबा। आग जल गई है, तुम्हारा काम खत्म, अब घूमने निकल जाओगे तुम? स्टेशन पे रेल आने वाली है, कोई सवारी मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज बाबा। उमर बेटा, सर्दी हो रही है, दस्ताने पहन लो। ये अरे नहीं अम्मी, इन्हें पहनने से लगाम फिसलेगी हाथ से। ये जैनब ने बहुत प्यार से बनाए हैं, ये लो